एक और तरीका या एक और जरिया जिसकी वजह से मोहब्बतें कम हो जाती हैं। मसल हाजरीन, शौहर चाहता है कि अपनी बीवी परफेक्ट रहे, हर मामले में सबसे बेहतर रहे, पकाने में बेहतर हो, दीनदारी में बेहतर हो, घर के काम में बेहतर हो, हर मामले में वो परफेक्ट रहे, उससे कोई गलती वो बर्दाश्त नहीं करता। और बीवियां चाहती हैं कि शौहरों में परफेक्टनेस हो, वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, उसकी हर जरूरत को पूरा करे, उसकी तमाम मुतालबात को मुकम्मल करे, कोई चीज वो कमी बर्दाश्त नहीं करती। मोहतरम हाजरीन, जब कोई मियां बीवी हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को जानते हो, तो याद रखें जब तक वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक मामला सही से नहीं चल पाते। जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे मामला सही से नहीं चल पाते। कई शिकायतें हमें पहुंचती हैं, कई नौजवान मर्द या नौजवान औरतें आकर के शिकायतें करती हैं कि खुसूसी तौर पर मर्द हजरात, खुसूसी तौर पर मर्द हजरात चाहते हैं कि उनकी बीवी के अंदर हर भलाई मौजूद हो, उनकी बीवी के अंदर हर भलाई मौजूद हो, इसी का मुतालबा करते हैं, थोड़ी सी कमी बर्दाश्त नहीं करते, कह देते हैं कि नाफरमान है, शौहर को खुश नहीं करती, शौहर की फरमा बरदारी नहीं करती, जबकि खुद उनके अंदर कई खराबियां होती हैं, खुद उनके अंदर कई खराबियां होती हैं। कई शिकायतें ऐसी आई, कई शिकायतें ऐसी आई कि शौहर बैठ के घर पर टीवी देखे, पिक्चर देखे, गलत काम देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बीवी से नहीं चाहेगा कि उससे कोई इस किस्म की हरकत हो, ऐसे वो कोई काम करे या फिर इबादतों में कोई कोताही करे। मोहतरम हाज़रीन, शौहरों को खुसूसी तौर पर इस बात का हुक्म मिला है कि औरतों से गलतियां होंगी, औरतों से गलतियां होती रहेंगी। अल्लाह के नबी ने तो मिसाल इसकी ये दे दी कि जिस तरीके से इंसान की पसली की हड्डी टेढ़ी होती है, बिल्कुल इसी तरीके से औरत की मिसाल है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो अगर तुम किसी बीवी से फायदा उठा सकते हो तो उठा सकते हो, इस शर्त के साथ कि टेढ़ापन बाकी रहेगा, टेढ़ापन बाकी रहेगा, कोई ऐसी चीज रहेगी जिसको जो तुम्हें नापसंद होगी, जिसको तुम पसंद नहीं करोगे। वैन इस्तमताअ बिहा व बिहा इवज, अगर उससे फायदा उठा सकते हो तो उस टेढ़ेपन को रखते हुए फायदा उठा लो, और अगर तुम उसको जोड़ने चले जाओ, उसको सीधा करने चले जाओ, उसको मुकम्मल सुधारने चले जाओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तोड़ बैठोगे। वकसरुहत तलाक, और अल्लाह के नबी ने कहा कि तोड़ने से मुराद तलाक हो जाएगी, ताल्लुकात नहीं बन पाएंगे। मोहतरम हाज़रीन, हमारी हुस्न सुलूक की सबसे ज्यादा अगर करीबी कोई हकदार हैं हमारे माँ बाप के बाद तो हमारी अपनी बीवियां हैं। और औरतों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई दर्जा उनके लिए दिया गया है इस दुनिया में किसी इंसान को, तो उसके शौहर को है। तो ये उसके साथ उसने सलूक करे, उसकी गलतियों से दरगुजर करे और उसकी इताअत करे, हर मुतालबे को पूरा ना करवाए, मुतालबे के पूरा ना होने पर जिद पे ना अड़ जाए, अपने ख्वाहिशात के पूरा ना होने पर उसके हुकूक ना रोक बैठे, और शौहर हर किस्म की खूबियां भलाइयां अपनी बीवी में ख्वाहिश जरूर करे, अगर ऊंच नीच हो तो बर्दाश्त जरूर कर ले, ऊंच नीच हो तो बर्दाश्त जरूर कर ले, और अगर बर्दाश्त नहीं करेगा मामलात को बिगाड़ बैठेगा। तो मोहतरम हाज़रीन, आम तौर पर बिगाड़ जिन बुनियादों पे मियां बीवी के दरमियान होता है, मोहब्बतें जिन बुनियादों पर कम होते जाती हैं, उसमें से एक ये भी बड़ी अहम चीज है कि शौहर चाहता है कि बीवी के अंदर कोई कमी ना रहे, और बीवी चाहती है कि शौहर उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक रहे, उसकी जरूरतों को मुकम्मल पूरा करता हुआ मिले। जब तक ये कुछ दरगुजर ना कर ले, जब तक वो दरगुजर ना कर ले, तब तक मोहब्बत भरी जिंदगी नहीं मिलेगी, तब तक मोहब्बत भरी जिंदगी नहीं मिलेगी। तो मोहतरम हाज़रीन, कमालियात का मुतालबा करना, हर चीज में परफेक्टनेस चाहना, याद रखें कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होगी, कोई ना कोई ऊंच नीच जरूर होगी। और खुसूसी तौर पर बीवियों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने मर्दों को यही बात कही कि औरतों में कोई ना कोई टेढ़ापन जरूर बाकी रहेगा, उसको बर्दाश्त करते हुए चले तो अपनी जिंदगी को चला पाएंगे, वरना तोड़ बैठेंगे। तो मोहतरम हाज़रीन, ये कुछ असबाब थे जिनकी बुनियाद पर आम तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें कम होती हैं, ताल्लुकात बिगड़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
جتنے شوہر و بیویاں ہیں، مسلمان مرد و عورت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبتوں کو پیدا کرائے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہر اختلاف پیدا کرنے والی چیز سے ان کو محفوظ رکھے، اور جب تک زندہ رکھے ایک مثالی شوہر و بیوی بنا کر زندہ رکھے۔ آمین۔